जी सर, मीटिंग का मुद्दा और मकसद क्या था? मोहम्मद मकबूल, स्टेट प्रेसिडेंट, जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ट्रेड यूनियन। मेरे साथ यहाँ मरकजी सतह के हमारे जोमा और डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद और कोकरनाग के मुख्तलिफ महकमों के जोमा हजरात बैठे हैं। हमारी आज यहाँ कोकरनाग तहसील, ओल्ड तहसील की एक जॉइंट मीटिंग हुई मुख्तलिफ महकमाना नुमाइंदों की, जिसमें हमने मौजूदा मरकजी सरकार और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो मुलाजिम दुश्मन इकदाम हैं, खासकर जो सरकारी महकमों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, जो इस वक्त मुख्तलिफ महकमों में टेम्प्रेरी वर्कर्स काम कर रहे हैं, जिसमें आंगनवाड़ी, आशा, कैजुअल, कॉन्ट्रैक्ट, HDFC वर्कर्स जो हैं, जो मिनिमम उजरत से भी कम तनख्वाह लेते हैं, उनकी वेज पॉलिसी और उनकी रेगुलराइजेशन पॉलिसी, इसके साथ साथ जो पेंशन पर हमला हो रहा है, जो ट्रेड यूनियन हकूक पर हमला हो रहा है, जमहूरी हकूक पर हमला हो रहा है, तो उस पर बात हुई और मरकजी और यूनियन टेरिटरी के मुलाजिम दुश्मन इकदाम की मजम्मत करते हुए हमने यहाँ आज फैसला किया कि हम इन तमाम मुलाजिम दुश्मन इकदाम के ख़िलाफ़ जदोजहद तेज़ करेंगे। और साथ साथ हमने पहले ही इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट में अपनी तंजीम को मुतहरिक किया है और यहाँ तहसील कोकरनाग में भी एक एडहॉक कमेटी बनाई है, जिसका हमने एक कन्वीनियर, एक ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी और 10-20 मुख्तलिफ महकमों के 10-20 नुमाइंदे हमने उसमें चुने हैं, जो आइंदा इस तहसील में जो तकरीबन 30,000-40,000 एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स जो काम कर रहे हैं, उनकी नुमाइंदगी करके सरकार के इन मुलाजिम दुश्मन इकदाम और मुख्तलिफ महकमों के मुलाजिम मसाइल, जो फौरी मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए जदोजहद करें। थैंक यू। नेशनल कमेटी वाइस प्रेसिडेंट पूरा जी, तो ये आज हमने जो यहाँ ये मीटिंग रखी है, ये तमाम जितने भी महकमे हैं उनके एम्प्लॉयमेंट की, जो हमने एक बॉडी तश्कील दी है, ब्लॉक बॉडी, पहले हमने डिस्ट्रिक्ट बॉडी तश्कील दी है मकबूल साहब की सदारत में RED। तो उसकी वजह ये है कि जो जितने भी आज सरकार एंटी मुलाजिम पॉलिसियाँ बना रही है, मुलाजिमों पे रोज़ रोज़ सितम डाले जा रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ तो ये जो ये डिफंग था ये ब्लॉक, इसके लिए जो बॉडी बनाई है ताकि तमाम मुलाजमों के मसाइल जितने भी है, चाहे तनख्वाह हो, चाहे ऑफिस लेवल पे हो, जितने भी मजालिम हैं उनके ख़िलाफ़ हम लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला।